आदिवासी बाहुल्य गांव कावड़ में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से गांव वासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। अपनी समस्या को लेकर ग्राम वासियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के कई गाँव के हालात नहीं बदल पाए हैं। ऐसा ही एक आदिवासी बाहुल्य गाँव है कावड़, जहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर कावड़ की जनता ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पक्की सड़क नहीं है, इस वजह से बारिश के दिनों में वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए हम शासन और प्रशासन से पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को तो हम चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। समस्या रोड की समस्या है, कीचड़ बहुत, इतने कीचड़ आ जाता है और निकल नहीं पाते हैं, और बीमार व्यक्ति हो जाता है तो उसको भी कंधे पे बिठा के और झोले में टांग कर लाते हैं मेन रोड तक। रोड की समस्या हमारे बहुत पहले से रोड की समस्या है और बहुत कीचड़ है, बहुत परेशानी आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।